44वें श्लोक से तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियर्हासि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितं वनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्यननै न दानै न क्रियाभिर्न तप न क्रियाभिर्न तपोभियज्ञै एवं रूपं शक्य अहं द्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रङ्गमेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम्
tava saumyam janardana ida namasmi samvrittah sacheta prakritim gatah shri bhagavan uvacha sudarsh sudurdarshamidam rupam drashtvavanasi yanmama deva apyasya rupasya nityam darshana kankshinah nityam darshana kankshinah अर्जुन भगवान के सामने स्वीकार करता है, मेरी जो भी गलतियां हुई भगवान, उसका सिर्फ एक कारण है, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने आपको जाना ही नहीं था कि आप ईश्वर के रूप में हैं। मैं तो आपको अपना रिश्तेदार, अपना सखा, अपना मित्र मानता था। इसके कारण अजानता, मैं नहीं जानता था, इसलिए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो मैंने आहार में, विहार में, शैया में, भोजन में, हर जगह आपका अपमान किया। और यही नहीं, मैंने आपका मजाक उड़ाने का भी प्रयास किया। सरल सी बात है कि जो व्यक्ति को हास्य आता है वो किसी मूर्खता की पूर्ण बात पे ही आता है। कुछ अटपटी सी बात हो तभी व्यक्ति को हंसी आती है। मैंने आपकी कुछ बातों के ऊपर अटपटा सा, अजीब सा भगवान टिप्पणी की, और टिप्पणी भी मैंने दो जगह की। देखो जी, ये श्लोक देखिए 42वां, यच मिल गया आपको, ये परिहास प्रयोजनाय, जब 42वां परिहास प्रयोजनाय, तो मेरा जो प्रयोजन था वो आपके ऊपर हंसने का था। देखो जी, कि आपका किसी तरीके से क्या बनाया जाए, मजाक बनाया जाए। तो परिहास प्रयोजनाय, और उसके लिए मैंने क्या किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया। देखो जी क्या लिखा, असत्कृतोसि, कृतोसी नहीं है, सत्कृतोसी नहीं, असत्कृतोसी। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो नहीं, उसका उल्टा ही किया। देखो जी क्यों, क्योंकि किसी तरीके से आपका क्या बनाया जा सके, मजाक बनाया जा सके। और भगवान, मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ, मैंने यह जो मजाक उड़ाया, यह परोक्ष भी उड़ाया है आपका। देखो क्या लिखा, एकोथ वापी, कल मैं कह रहा था, एकोथ का अर्थ है परोक्ष। एक मतलब प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता, कैसा है, परोक्ष। तो जब आप नहीं थे तब मैं अपने भाइयों के बीच में बैठता था और आपका क्या उड़ाता था, मजाक उड़ाता था। देखो जी ये भी मैंने किया है भगवान, ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने आज हो गया और बड़ा अच्छी बातें कर रहा हूँ। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ। एको अथ वा अपि, ऐसे तो मैंने आपका मजाक उड़ाया ही उड़ाया है सामने, लेकिन मैंने परोक्ष रूप से भी, देखो इसका मतलब, जब किसी व्यक्ति के पीछे परोक्ष किया जाए तो उसको बहुत बुरा माना गया। प्रत्यक्ष हो तो ठीक है, परोक्ष किया जाए तो ज़्यादा भयंकर अपराध है। ये कहता है मैंने प्रत्यक्ष तो किया ही किया, एको अथ वापी, वापी मतलब अपी, मैंने परोक्ष रूप से भी आपका क्या उड़ाया है, मजाक उड़ाया है भगवान। तत् समक्षम, सामने तो यही किया है। अब बस मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दिया जाए, और आप मुझे क्षमा कर देंगे। देखो जी
ये नहीं कह रहा है मुझे क्षमा करनी चाहिए, इसमें अंतर है, क्षमा करनी चाहिए नहीं, आपको क्षमा करना पड़ेगा। तो क्षामये, ये मैं कल संस्कृत की कह रहा था, ये संस्कृत की विशेषता है, क्योंकि आपको भगवान कोई पकड़ नहीं सकता, आप तो कैसे हैं, आप प्रमेय हैं। और यहाँ बहुत सुंदर श्लोक है, आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बात मुझे समझ में आ गई है। देखो, ना त्वत् समः अत्य अभ्यतिकः कुतोऽन्यः, ये लाइन देखिएगा 43वें श्लोक की दूसरी पंक्ति, ना त्वत् समः, आपके सामने आपके बराबर कोई है नहीं। देखो जी, कल कह रहा था जंगल में एक ही शेर रहे, देश का एक ही राजा हो सकता है, आपसे बड़ा अभ्यधिक कुतो अन्यः, आपसे बड़ा कौन है इस दुनिया में, लोकत्रये, देखो यही नहीं, तीनों लोकों में आपसे बड़ा वास्तव में भगवान कोई नहीं है। आप प्रतिम प्रभाव, कल कह रहा था मैं, जो प्रतिम प्रभाव अर्थ है उसको कल कहा था, उसके प्रभाव को मापा नहीं जा सकता है, इसको बोलते अप्रतिम प्रभाव। एक व्यक्ति का प्रभाव है जिसको आप इंची सेंटीमीटर से यहां से वहां नाप सकते हैं कि ये व्यक्ति है ना, इसका इस राज्य में चलता है, इस क्षेत्र में चलता है। लेकिन भगवान का प्रभाव क्या है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपका प्रभाव ना हो। तो भगवान, मैं तो जितनी गलतियां हुई हैं मैं स्वीकार करता हूं, तस्मात, इसलिए, देखो जी, मैंने स्वीकार कर लिया मैंने गलतियां की हैं, प्रणम्य, मैं प्रणाम करता हूं, कैसा प्रणाम करता हूं, परणिधाय कायम, देखो जी, पूरे शरीर को ही आपके सामने मैं रखता हूं, प्रसादये, भगवान आप प्रसन्न होइए, क्षमा कीजिए, तम अहम ईशम इड्यम, आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे पूजने योग्य ईश्वर हैं। और भगवान, ऐसे संबंधों में व्यक्ति माफ कर ही देता है, अर्जुन तर्क भी देता है, क्यों, पितेव पुत्रस्य, पुत्र कितना भी अपमान कर दे लेकिन पिता उसको क्या करता है, क्षमा ही कर देता है। सखे व सख्य हो, ये संबंध है, अगर मित्र भी हो तो मित्र कोई गलत बात कर दे तो दूसरा मित्र उसको क्या करता है, क्षमा ही कर देता है। यही नहीं, प्रियार हा हसी, जो जो प्रेमी जोड़ा है, दो प्रेम करने वाले लोग हैं, उनमें भी कोई अगर कोई प्रिय व्यक्ति कुछ कह देता है तो दूसरा प्रेमास्पद व्यक्ति उसको क्या करता है, माफ कर देता है। आपको ये बात भगवान सहनी पड़ेगी। देखो, इसलिए शब्द क्या लिख दिया, सोडुम, सोडुम मतलब जो मैंने ये किया वो आपको अब क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। मैंने तो ये किया है, ये मैंने आपके सामने बता दिया, अब विषय को सामने रखता है दूसरे विषय को, जो मैंने आज देखा ये मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसलिए शब्द क्या लिखता है, अदृष्ट पूर्वम, दृष्ट पूर्वम नहीं, दृष्ट पूर्वम मतलब क्या होगा, पूर्व में मैंने देखा था, तो क्या लगा दिया, अपूर्व, दृष्टम अदृष्टम पूर्वम, यह जो दृष्ट है ये मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा भगवान, लेकिन मैं प्रसन्न भी हुआ, इसलिए क्या बोलता है, ऋषितोस्मि अहम ऋषितः, मुझे प्रसन्नता भी हुई। लेकिन भगवान, अभी अभी आपकी इस रूप को देखते देखते, देखो शुरुआत वाला रूप कैसा था, दिव्य मालांबर धर्म दिव्य गंधानुलेपनम, तो बड़ा सुंदर लग रहा था, तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे क्या लगा है, दृष्ट्वा, आपको देखकर भयेन, मेरे मन में क्या आ रहा है, प्रसन्नता नहीं हो रही है भगवान, भय बैठ रहा है, प्रव्यथितम, मेरा मन कैसा हो गया, व्यथित हो गया है। देखो जी, ये भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है,
कि कोई कोई व्यक्तित्व ऐसा है उसको देखने पर जो मन है वो कैसा हो जाता है, व्यथित, प्रव्यथित हो गया है मेरा मन। भगवान तदेव मतलब पहले वाला, जब भी ये तदेव शब्द आए तो इसका अर्थ क्या होगा, पहले वाला। तदेव में दर्शय देव रूपम, हे भगवान आप मुझे वो पहले वाला रूप दिखाइए। प्रसीद, भगवान प्रसन्न हो जाइए। देवेश, हे देवेश, हे जगन निवास, देखो जगत का जिसमें निवास है, लोग बोलते हैं जगत में जिसका निवास है, जगत का जिसमें निवास है, ऐसा जगन निवास व्यक्ति आप क्या हो जाइए, प्रसन्न, पूरा जगत ही आप में है भगवान। तो भगवान की प्रशंसा करता है और मांगता है कि आप पुराना वाला रूप दिखाइए। कौन सा रूप भगवान ने कहा, तो बोलता है पहले वाला। कौन सा पहले वाला, किरीटिनम गदिनम। देखो दो हाथ तो है नहीं, ये तो पक्की बात हो गई, ये कल बात में कह रहा था। भागवत में भी ये चर्चा आती है कि महाभारत काल में भी भगवान अपने चार हाथ लेके टहलते थे, आते जाते ही रहते थे चार हाथ लेके। अब जो बड़े रसिक लोग हैं वृंदावन के प्रिय, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि चार हाथ कहाँ से, अजीब लगेगा चार हाथ, तो वो मानते ही नहीं इस बात को। लेकिन इसमें तो स्पष्ट, देखो अर्जुन ने भी जो पहले का रूप देखा है वो कैसा है। इसीलिए वो जो कल मैं पाउंडर की कहानी कह रहा था, वो तो दो हाथ तो थे ही उसके पास भी। लोगों ने कहा भगवान के चार हाथ हैं, उसमें शंख चक्र पद्म और गदा रहती है, तुम्हारे पास क्या है। तो उसने नकली क्या किए, दो हाथ और बनाए जिसमें शंख और चक्र क्या किया रखा। इसका मतलब यह जो चार हाथ का रूप था, ये भगवान सभी को पहले क्या करते थे, दिखाते ही रहते थे। आज भी अर्जुन कहता है मुझे वो वाला रूप दिखाइए, कौन सा, किरीटिनम किरीटवंतम, जो सिर पर लगाया जाए मुकुट, वो मुझे चाहिए। तो अब इसमें तो मुकुट उकुट तो होगा नहीं, देखो आप ये बड़ा विशाल रूप होगा, यहाँ इसमें कितने पे मुकुट लगाएंगे वो। किरीटिनम गदिनम, हाथ में क्या होनी चाहिए आपके, गदा। गदावंतम, जिसके पास गदा है। तीसरा चक्रम, हाथ में क्या होना चाहिए आपके, चक्र, सुदर्शन चक्र। हस्तम इक्षामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव, तो सरल संस्कृत है, मैं चाहता हूं, आप नहीं चाहते हो मुझे नहीं पता, अहम द्रष्टुम इक्षामि, मैं आपका ये रूप देखना चाहता हूं। बोले कौन सा, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। अब कोई तो कहेगा कि भगवान आपने तो गदा और चक्र ही गिनाया है, चार कहाँ हो गया। भगवान ने नीचे बोले तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन, ये जो चार हाथ वाला रूप है भगवान किसको बोल रहा है, सहस्रबाहु भव, जो हजार हाथ वाले हो, अब कितने हो जाओ आप, चार हो जाओ। ये जो विश्वमूर्ति रूप धारण करके रखा है ये बंद करो, सहस्र भावो भव विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति भगवान, ये संबोधन है, हे विश्वमूर्ति भगवान आप अपने रूप का क्या कीजिए, संहार कीजिए। यहां पे कायदे से भगवान ने अपने उस विराट रूप का क्या कर लिया है, उपसंहार किया। लेकिन संहार करने के पहले भगवान ने अर्जुन को दो तीन बातें बोल दी, संहार करने के पूर्व, उपसंहार ये रूप खत्म करें इसके पूर्व भगवान ने अर्जुन को दो बातें बोली। देखिए श्री भगवान उवाच, अब भगवान बोलते हैं, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपम परम दर्शितमात्मयोगात्। अर्जुन मैंने तुमको ये रूप क्यों दिखाया, कभी ये तुमने सोचा कि आखिर ये रूप मैंने ही तुमको क्यों दिखाया, क्योंकि तुम में इतनी श्रद्धा भरी हुई है। और देखो ये बात अर्जुन ने पहले बोली थी,
आप तो जो कहेंगे रितम मन्ने, श्लोक देखिए कहाँ बोला ये, एवं एतद् यथार्थ तमात्मन परमेश्वरम दृष्टुम इच्छामि रूपम ऐश्वरम। देखो जी, मैं आपका ईश्वरीय रूप देखना चाहता हूं। अच्छा, त्वत् और भगवान की बड़ी प्रशंसा की, भवाप्यवहि भूतानाम श्रुतो विस्तरशो मया। फिर चौथे श्लोक में देखो आप, मन्यसे यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति, आप मुझे योग्य मानते हो तो मुझे दिखाइएगा। जब आप इन्हीं की एक श्लोकों को फिर से देखेंगे तो अर्जुन के मन में अपार श्रद्धा क्या हुई है, भरी हुई है, और वो कहता है अगर आप मानते हैं योग्य तो मुझे दिखाइए। तो भगवान कहते हैं मैंने जो तुमको दिखाया वो तुम्हारा मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, उसके कारण मैंने तुमको ये दिखाया है और किसी के कारण नहीं। देखो तुम योग्य हो वो मैं नहीं कह सकता, तुम्हारा अधिकार बनता है ये भी नहीं कह सकता, बस तुम में मेरे प्रति जो चाहत है और मेरे प्रति जो विश्वास है, जो बोला आपने वो, भगवान कहता है अर्जुन वो सब सत्य है, जो भी आपने बोला ये विश्वास देख के मैं तुमको ये रूप दिखाता हूं। तो क्या बोला इसके पहले, मया प्रसन्नेन, मैं तुम पर अर्जुन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। देखो तो व्यक्ति अपना रूप तो प्रसन्नता में ही दिखा सकता है, अब प्रसन्नता में क्या, दुखी में भी दूसरा ही रूप दिखाता है कुछ, लेकिन अपना ओरिजिनल जो स्वरूप है वो व्यक्ति कब बात करेगा आपसे, जब व्यक्ति क्या हो, प्रसन्न हो। मया प्रसन्नेन, मैं प्रसन्न हूं अर्जुन, तव अर्जुन इदम रूपम परम, यह जो परम रूप है दर्शितम, ध्यान रखना ये तुम्हारी माया से नहीं, आत्मयोगात, मैंने अपनी शक्ति से तुमको क्या किया है, दिखाया है। क्यों दिखाया, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर क्या हूं, प्रसन्न हूं। कैसा रूप, तेजोमयम, जो मैंने रूप दिखाया है वह रूप कैसा है, तेजोमय। देखो जी, तेजोमय का भाष्यकार ने क्या अर्थ किया है, आत्मना ईश्वर्य सामर्थ्या तेजोमयम तेज प्रायम विश्वम समस्तम अनंतम। विद्वानों ने इसका बहुत सुंदर अर्थ किया है, वेदांत में इसका अर्थ है जो भूतों के जरिए से प्रकाश है वह तेजोमय प्रकाश नहीं हो सकता, जो भूत का प्रकाश है वह अलग है, भूत का प्रकाश मतलब पंचमहाभूतों का, पंच महाभूतों से व्यतिरिक्त जो प्रकाश है वह कैसा प्रकाश माना जाएगा, तेजोमय। तो आपका यह जो रूप है कैसा है, तेजोमय, विश्वम अनंतम। देखो जी, कहीं ना उसको आदि दिख रहा है ना अंत दिख रहा है, आद्यम यन्मे त्वद अन्नेन, देखो ध्यान रखो अर्जुन, न दृष्ट पूर्वम त्वद अन्नेन, तुम्हारे अलावा यह रूप कभी किसी ने नहीं देखा है और इस जन्म में तो नहीं देखा है। अब मन में क्या प्रश्न आएगा, कुछ देवकी को तो यशोदा को विराट रूप नहीं दिखाया था, ध्यान रखना। और पता नहीं महाभारत में एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार महाराज दुर्योधन ने इनको दौड़ा लिया भगवान को अकेले, तब ये इंद्र ये हस्तिनापुर में थे, सब ने इनको दौड़ा लिया कि इसको पकड़ो, असली जो अपराधी वो यही है, इधर उधर का कर। तो उस समय भगवान अकेले थे तो ये कारागार में इनको बंद करने के लिए ले जा रहा था दुर्योधन, पकड़ के हथकड़ी लगा के इनको बंद कर दो। उस समय बोलते हैं भगवान ने ऐसा रूप बनाया कि जेल वेल तो टूट गई उसकी, लेकिन ध्यान रखना वह रूप भी विश्व रूप नहीं था, वो अपने को थोड़ा क्या कर लिया था, बड़ा बना लिया, लेकिन यह जो विश्व रूप है ये तो अर्जुन त्वद, ये पंक्ति याद रखिएगा, त्वद अन्नेन न दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे अलावा किसी ने इस रूप को आज तक नहीं देखा। इसका मतलब अर्जुन तुम कुछ स्पेशल तो हो ही, वो क्या है स्पेशलिटी, सिर्फ मेरे अंदर जो तुम्हारे प्रति विश्वास है उसके कारण मैंने तुमको ये दिखाया है। अब कोई सोचे कि मैं भी देख लूंगा तो बोले देख लो, ये बहुत ही सुंदर चीज है।
न वेद। ध्यान रखना, इन साधनों का उपयोग है लेकिन इसकी सीमा बताई गई है, इसको ये मत समझना आपकी बेकार की चीजें। न वेद, न वेद यज्ञ, न अध्ययनैहि, न दानैहि, न क्रियाभिः, न तपोभिः अग्निः एवं रूपम न शक्य। इस विराट स्वरूप को मेरी प्राप्ति के लिए कोई इन साधनों को चुने और इन साधनों में मास्टर हो जाए तो भी संभव है कि मैं ये रूप उसको न दिखाऊं। कौन कौन सा? न वेद यज्ञ अध्ययन ही। देखो जी, वेदानाम अध्ययन ही, देखो जी, वेदों का अध्ययन। भाई वेदों का अध्ययन मतलब क्या होता है? जब वेद, जब ये जो चैंटिंग होती है ना, इसमें जब आप कहीं और अच्छे विद्वानों से मिलें, वो उसको ऊपर से भी पढ़ते हैं और पीछे से भी पढ़ डालते हैं बिना देखे। जो आप मंत्र आगे से पढ़ते हैं, वो मंत्र कहाँ से पढ़ते हैं पता है? एक बार आगे से, एक बार पीछे से, और पीछे से भी पढ़ने पर कंठस्थ होना चाहिए। इसको बोलते वेदाध्ययन। यहां वेदाध्ययन मतलब क्या हुआ? वेदों का जो पाठ है, कोई व्यक्ति पाठ में बहुत पारंगत हो और आंख बंद करके चारों वेदों का पाठ कर ले, भगवान बोलते हैं तो भी मैं उसको मिलने वाला नहीं। न वेदाध्ययन। अच्छा, दूसरा न यज्ञ ही। कोई यज्ञ करने में बड़ा पारंगत है। देखो, यज्ञ मतलब यज्ञ की सब क्रिया विधि होती है, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, इतनी ईंट होनी चाहिए, इस मंत्र को डालना। बोले कोई इसमें भी पारंगत होवे तो भी मैं उसको नहीं दिखूंगा। देखो, देखना किसका किसका निषेध किया है। न वेद यज्ञ अध्ययन ही। मैं वेदाध्ययन, ध्यान रखना, अध्ययन का अर्थ श्रवण नहीं है। पता लगा आप तो श्रवण ही छोड़ दे तो बोले इससे मिलेगा क्या, तो ये समझ में किससे आएगा फिर? अध्ययन का अर्थ वहां पे क्या लिया गया है? वेद पाठ, जो लोग ये घन पाठ बोलते हैं उसको, जो उल्टा करते हैं ना उसको बोलते हैं घन पाठ। तो जो लोग इसमें बड़े महारत हासिल है, बोले ऐसे उच्चारण व्यवस्था वाले लोगों को भी मैं नहीं मिलता। जो लोग बहुत स्वाहा स्वाहा करते हैं, और देखो भागवत में सुनने थे, प्राचीन बरही था, क्या नाम था उसका, प्राचीन बरही था ना भी महाराज, इतना उसने हवन किया, कुश खत्म हो गए थे धरती पर। जो कुश होता है, यज्ञ करते करते धरती कुशहीन हो गई। किसी देवता ने समझाया कि अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, जितने तुमने बलि दी है, सब मारा है ना, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऊपर जाओ तब समझ में आएगा तुम्हें। वास्तव में सब इंतजार कर रहे थे ऊपर कि ये आए, इसके कारण ही मेरी क्या हुई है, जान गई है। देखो जी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। एक सीमा से ज़्यादा ये भी हो कि स्वाहा स्वाहा पूरा दिन भर किसमें चला जाए, वो भी अच्छा नहीं माना गया। तो न वेद ये, देखो अब बड़ी चोट पहुँच सकती है, देखो सिर्फ चैंटिंग करने वालों को। न वेद यज्ञ ही अध्ययन ही। तो वेदाध्ययन और यज्ञों का अध्ययन, वेदों की चैंटिंग और यज्ञों की क्रिया विधि जानने वाले बोले ये मुझको नहीं देख सकते। अच्छा, न दानई है। और दानई का भगवान ने बड़ा अच्छा अर्थ किया है यहां, देखिए जरा भाष्य देखिए। वेदा अध्ययनई ही एव यज्ञ अध्ययन से सिद्धत्वात् पृथक यज्ञ अध्ययन ग्रहणम यज्ञ विज्ञानोपलक्षणार्थम तथा न दानई है। और कैसा दान? ये छोटा मोटा दान नहीं, तुला पुरुषादि भी। पहले लोग क्या करते थे, अपने को रखकर अपने बराबर अनाज निकालते थे, ये भी एक तुला होता था। अपना एक साइड होकर दूसरा तराजू में उतना अन्न, और वो अन्न को क्या करते थे, बांट देते थे। अच्छा, और अमीर है तो स्वर्ण, तो चांदी,
तो उतनी चीजों को लोगों में क्या करता था, वो बांट देता था। भगवान भाष्यकार लिखते हैं ना दानी ही, देखो क्या लिखा है, तुला पुरुष आदि भी, कोई अपने को तोल कर बांट भी दे, इतना दान कर दे। अब देखो अगर आप 80 किलो के होगे तो कितना बांटना पड़ेगा आपको, तो आप मना तो कर नहीं सकते। या तो उसके पहले डाइटिंग करो आप, दान करने के पहले तो 10 किलो कम कर लो आप, लेकिन कितना कोई करेगा, 50 60 70 तो करना ही पड़ेगा। सोचो उतना निकालो आप, बोले ये दान करने वालों को भी नहीं मिल सकता। देखो जी ना दान ही, देखो न च क्रिया भी, ओ जो अग्निहोत्र कराते रहते हैं उनको भी मैं नहीं मिल सकता। देखो जी हवन इत्यादि न अग्नि अग्निहोत्रादि भी श्रौतादि भी न अपि तपो भी। अब लो तपो की तो इनकी भी बात कर ली। कुछ लोग महाराज उपवास में पारंगत हैं, जब देखो तो उपवास, जब देखो तो उपवास, बोलते मैं उससे भी नहीं मिलता। और उपवासों में सबसे जो कठिन व्रत माना गया वो कौन सा व्रत है, चांद्रायण। चांद्रायण व्रत में क्या होता है, चंद्रमा की कला जैसे जैसे घटती है उतना उतना अन्न व्यक्ति को कम करना पड़ता है। आप देखते ना अमावस्या से पूर्णमासी की ओर चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, तो एक समय बाद व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, बहुत कठिन व्रत होता है। ये भागवत में भी आ रहा है ऐसा, दो तीन व्रत, पुंसवन व्रत एक अभी आया आपने देखा, दो हिसाब के व्रत थे। व्रत होते हैं उनसे प्राप्ति भी होती है, ये भी ध्यान रखना। वहां जो आया है उससे पुरुष अब बच्चे की प्राप्ति ना हो तो भी उससे हो सकती है। देखो वहाँ बोला गया द्वितीय और अदिति को कश्यप महाराज ने ये पुंसवन व्रत क्या बताया कि कैसे करो ये व्रत, और उसी में गड़बड़ी हो गई थी। कौशिक जी याद आ रहा है क्या गड़बड़ी की थी, क्या झूठे मुंह सो गई वो आ रहा है, द्वितीय झूठे मुंह सो गई, और उसमें झूठे मुंह सोना नहीं है। और भगवान इसी फिराक में थे कि कोई गलती करे, और पूरा व्रत उपवास उसने ठीक से किया, पता नहीं क्या मती मारी गई उस दिन, कुल्ला नहीं किया और बस सो गई, व्रत टूट गया। अब भगवान उसके अंदर घुस गए, बोले ये तो झूठा है, आ रहा है इतने कठिन व्रत होते हैं लेकिन उसका फल भी मिलता है। देखो जी उसका फल भी मिलता है, ये भी याद रखना। लेकिन कोई चाहे कि उसके बदौलत ईश्वर की प्राप्ति कर ले, और वो भी विराट स्वरूप, भगवान बोलते तुम कितना भी कर डालो। भाई अर्जुन ने कितने यज्ञ किए, कुछ नहीं किया अभी, जबकि युधिष्ठिर जाके बाद में यज्ञ करेंगे। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर चीज बोली, ना वेद यज्ञ अध्ययन ही, ना दानेन, ना क्रिया भी, ना तपो भी। ये जो तपस्वी लोग ये जो करते हैं ना चांद, और देखो जरा तप कैसा बोला, उग्रई ही घोरई ही, उग्र घोर तप। बाबा रे बाबा, तो जितना शरीर को कस सकते हैं उतना तप, कि नग्न हो गया वो आपने भंज गोविंद में देखा, अग्नि के सामने नग्न बैठा है तो ठंडी में वस्त्र नहीं पहना है। स्वामी जी ने इसको बोला है कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में कहाँ जाते हैं, अभी शिव जी के दर्शन करने लोग अमरनाथ में, बोले एक था भभूत लगा के बैठे हैं, किस महीने में, जनवरी के महीने में। बोले महाराज जी इससे मिलेगा नहीं आपको ईश्वर, और कुछ मिल जाएगा ये नहीं मिल सकता, कौन भगवान का विश्वरूप तो नहीं देख सकता, क्योंकि ये प्राप्ति उनसे नहीं हो सकती। तो न वेद यज्ञाधनैहि न दानैहि न क्रियाभिः न तपोभिः अग्नि एवं रूपम, देखो भगवान एवं रूपम, ये रूप तो नहीं दिख सकता। अहम नृलोके त्वद अन्येन, अर्जुन अपने आप को कुछ गौरवान्वित समझ, तेरे अलावा ये रूप किसी ने देखा नहीं है और कोई देख भी नहीं सकता। अहम नृलोके द्रष्टुम त्वद अन्येन, तेरे अलावा किसी ने मुझे नहीं देखा ना कोई देख सकता है, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन। माते व्यथा माम विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मृदंगमेदम। अब रही बात, देखो भगवान एक एक क्लैरिफिकेशन देते हैं,
तुम्हारे डरने की, देखो जी मिला है ना, माते व्यथा मा भूत ते भयम माच विमूढ़ भावो विमूढ़ चित्त्या दृष्ट्वा उपलभ्य। जैसे पहले दिखाया जा चुका वैसे मेरे इस घोर रूप को देखकर तुझे भय नहीं करना चाहिए, विमूढ़ भाव अर्थात चित्त की मूढ़ावस्था भी नहीं करनी चाहिए। तू भयरहित और प्रसन्न प्रसन्नमान हुआ वही अपना यह इष्ट शंख। देखो भगवान ने मना किया कि तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो। देखो जी माते व्यथा, ये इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। और तुम बोल रहे हो मेरा चित्त घूम रहा है विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम, इसकी क्या आवश्यकता है इतना। व्यपेत भी, देखो ये अच्छा शब्द है, भी मतलब होता है डर। अच्छे तरीके से अपने चित्त में से यह विमूढ़ भाव और डर को क्या कर दो, निकाल दो भगवान, फिर क्या होगा। पुनस्त्वम, मैं तुमको फिर से क्या करने जा रहा हूं। अब संत लोग बोलते हैं या तो अर्जुन ने आंख बंद कर ली होगी तो देख ही नहीं रहा होगा भगवान को, तो भगवान बोलते हैं कि चलो मैं तुमको अपना तदेव, देखो फिर शब्द आया ना तदेव, तदेव रूपम, मैं तुमको अपना पुराना रूप क्या करता हूं दिखाता हूं। इसका मतलब यहां पे आके भगवान का जो विराट स्वरूप था वो क्या हो गया, लय हो गया। अच्छा, विराट स्वरूप के लिए सबसे पहला श्लोक किसने बोला था, संजय ने, और अंत भी किसने किया है जरा देखो, जरा पहला श्लोक किसने बोला था उसमें जब विराट स्वरूप दिखाया है भगवान को। संजय उवाच, नौवां श्लोक, नौवां श्लोक, पहला तो उसी ने बोला कि नहीं बोला। एवमोक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ईश्वरम अनेक वक्त्र नयनम। ये किसने बोला है, इसका मतलब पहला श्लोक विराट स्वरूप का कौन बोल रहा है, संजय। तो यहां समाप्ति भी किसने की है, देखो। इति अर्जुनम वासुदेवः, समाप्त कर रहा है संजय ही, समाप्त कर रहा है। देखो जी ये होता है ग्रंथ, जिसने बोला वही इस ग्रंथ को समाप्त कर रहा है ये विश्वरूप, क्योंकि अर्जुन तो सामने बैठा है और ये सुना किसको रहे हैं, धृतराष्ट्र को। इति अर्जुनम वासुदेव तथा उक्त्वा, यह बात जो मैंने तुमको सुनाई धृतराष्ट्र, यह बात किसने बोली, भगवान ने बोली। किसको बोली, अर्जुन को बोली। स्वकम रूपम, स्वकम रूपम, देखो स्वकम का अर्थ क्या है, स्वकम मतलब अपना रूप, तो अपना रूप मतलब कौन सा, तो भाष्यकार ने देखो बड़ा सुंदर अर्थ लिखा है, क्या लिखा है, वसुदेव ग्रहे जातम, एग्जैक्ट लिख दिया, जैसे मैं वसुदेव के घर में जन्मा था वो मेरा जो असली स्वरूप है वही दिखा रहा हूं। चलो तो स्वकम का कितना अच्छा, वसुदेव ग्रहे जातम, जो मैंने वसुदेव के घर में दिखाया था, जो पैदा हुआ था वही रूप में तुमको दिखाता हूं। इत्यर्जुनम वासुदेवस्त यथोक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूयः, अब तो मेरे इस रूप को देखो। आश्वसायामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः, अपने मन में से डर को क्या कर दो, निकाल दो। सौम्य, हे सौम्य वपुः, देख कितने सुंदर सुंदर शब्द बोले हैं, हे सौम्य, फिर सौम्य मूर्ति, देखो जी ये बड़ा सुंदर नाम है, कोई रखता नहीं इतनी जल्दी, सौम्य, यह नाम तो उपनिषदों में भी आता है। सदैव सौम्य इदमग्रासीत एकमेवाद्वितीयम्, तो वहां क्या, एक ही सत पहले था, लेकिन किसको बोल रहे हैं, हे सौम्य, जिसका व्यक्तित्व कैसा है, सरल है, सौम्य है, उसका नाम क्या पड़ा, सौम्य, वो ऋषि है। तो यहां पे भगवान अर्जुन को सौम्य,
तो सौम्य मूर्ति होकर अर्थात प्रसन्न देह से होकर महात्मा कृष्ण ने इस रूप को अपना हटा दिया और अर्जुन को पुनः वो रूप क्या कर दिया, दिखा दिया। तो ये श्लोक हो गया ना, आश्वसायाम च भीतमेनम भूत्वा पुनः, फिर से भगवान ने अपना वह रूप क्या किया, अर्जुन को दिखाया। अब अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच दृष्टवे दम मान, अभी भी याद रख लेना, कभी आप भी पढ़ाएं ये किसी, अभी तक जब आप चैंटिंग कर रहे थे तो दूसरी लय में कर रहे थे, यहां से जो लय है वो क्या हो गई, बदल गई, जो पहले थी वो आ गई, क्योंकि अक्षरों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अब तो दृष्टवेदम, दृष्टवा इदम, यह रूप मैंने देखा। कैसा रूप देख रहा है अभी अर्जुन, अब अर्जुन कैसा रूप देख रहा है, इसलिए अर्जुन बोल रहा है अभी, अर्जुन उवाच मानुषम रूपम, ये मैंने आपका आप क्या देखा, मनुष्य रूप देखा, बहुत सौम्य है भगवान, बहुत ही सुंदर है। हे जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्त, देखो जी अब जाके, देखो जी इदानीम, इदानीम मतलब अब जाके संवृत्त, मेरा जो मन है वो कैसा हो गया है भगवान, शांत हो गया है। देखो जी प्रकृतिम गतः, देखो जी बड़ा सुंदर है, अब मेरी वास्तविक स्थिति जो नेचुरल मेरी स्थिति थी ना भगवान पहले, वो मेरी स्थिति अब क्या हुई है, मुझको प्राप्त हुई। कौन सा रूप देखकर, आपका ये जो मानुषी रूप देखकर, तो दृष्टवेदम मानुषम रूपम सौम्यम जनार्दना इदानीम अस्मि, अब मैं जाकर संवृत्तः संचेताः सचेताः चित्त सहित हो गया हूँ, पहले तो मन भाग गया था इधर उधर, अब मैं चित्त सहित हूँ यहाँ। प्रकृतिम गतः, अब मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान कहते हैं, भगवान को एक चीज अर्जुन को समझानी है बस, देखो जी अर्जुन तुम अपने आप को कम मत समझो, ये रूप के बारे में समझो कि यह रूप मैं किसी को नहीं दिखाया आज तक, तो तुम अपने आप को धन्य समझो कि मैंने तुमको ये रूप दिखाया। तुम इसको ऐसे ही मत ले लो, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ भगवान ने रूप दिखाया, हो गया, अब ये रूप हटा दो, दूसरा रूप ले आओ। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं फिर से उसी बारे में, सु दु दर्शम इदम, देखो जी सु दु दर्शम इदम, भाष्यकार ने क्या अर्थ किया उसका, सुष्ठु, देखो सरल हिंदी वाले शब्द इसको क्या बोलते हैं पता है, मान लीजिए सुलभ, सुलभ मतलब हाँ सुखेन लभ्य, दुर्लभ दुखेन लभ्य, जो चीज दुख से प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे, दुर्लभ है, और जो चीज जल्दी ही सुख से प्राप्त हो जाए वो क्या है, सुलभ। यहां पे क्या है, सु सु मतलब सुष्ठुम, सुष्ठुम मतलब बहुत अच्छी तरीके से, दूदर्शम बहुत अच्छी तरीके से, बड़ी मुश्किल से ये देखने को तुमको मिला है। सुष्ठुम दुखेन दर्शनम अस्यति सुदुदर्शम, अर्जुन यह रूप जो तुमने देखा है यह आसान नहीं है, बहुत लोगों को देखने के, इतनी तपस्या होने के बाद में भी लोगों को ये रूप आज तक मैंने नहीं दिखाया, बहुत दुख से दिखता है ये रूप, मैंने तुमको क्या कर दिया, इदम रूपम दृष्टवान असि, मैंने ये रूप तुमको क्या कर दिया, दिखा दिया। तो सुदर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यन्मम, अर्जुन कम्मता को देव अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनम आकांक्षिणा, ये जितने देवता लोग हैं ये देखना चाहते हैं और मैं इनको दिखाता नहीं हूं, देखो नित्यम दर्शनम आकांक्षिणा, ये देवता लोग तरसते रहते हैं कि कब मेरा यह रूप क्या कर पाए, ये देख पाए, और मैंने अर्जुन उनको आज तक कभी ये रूप नहीं दिखाया, और वो क्या है, दर्शन आकांक्षिणा, दर्शन के आकांक्षी हैं। तो सोचो अर्जुन, जो देवता लोग भी नहीं देख पाए,
इतने पुण्यों के बाद में भी वो तुमको मैंने क्या कर दिया है ऐसे ही, इसलिए अपने आप को धन्य समझो, गौरवान्वित समझो। और यहाँ ये श्लोक बस एक बहुत सुंदर आया है, फिर समाप्त हो जाएगा अध्याय। ना अहम, फिर से वो रिपीट करते हैं, वेदई ही, ध्यान रखना यहाँ जो यह साधन है इसकी सीमा बताई गई है, साधन को हीन नहीं बताया गया है, ध्यान से समझ लेना। ये साधन बेकार के हैं ये बात ये कहना भी नहीं भूल से आप, ये साधन बहुत ईश्वर के करीब ले जाने में सक्षम है, लेकिन हर साधन की अपनी क्या है, जैसे नाव से उस पार व्यक्ति जाता है, लेकिन नाव की सीमा क्या है कि आपको उतरना पड़ेगा तभी पार जा सकते, लेकिन गए किससे, नाव से ही। तो नाव, अब कोई कहे कि नाव मैंने दर्शन जो किया बिना नाव के किया तो आप झूठ बोल रहे हो, नाव के बगैर भी दर्शन हो सकता है, हो नहीं सकता। तो नाव की अपनी क्या है, एक सीमा, नाव की बेइज्जती नहीं की जा रही है ध्यान रखना, लेकिन नाव की अपनी क्या बताई जा रही है, सीमा, आपकी ये सीमा, ये जो आपके ये हैं साधन इनकी एक सीमा है। कौन कौन से, ना हम वेदई ही, न तपसा, न दाने, न इज्जया शक्यम एवं विधोर। अर्जुन, समाज में सब यही करते हैं बस, मेरे बारे में कोई जानने का प्रयास नहीं करता, तो कोई बात सही है, वेदा अध्ययन कर डालेंगे तो रट डाला पूरा वेद को, इतना तपस्वी कर दिया, अब जितने थे जितने भी राक्षस हैं ये सब तपस्वी हैं, ध्यान रखना, ये घर बैठे निठल्ले नहीं थे कि जिनको ये सिद्धि मिल गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, शिशुपाल, दंतवक्त, जितने राक्षस हैं इन सबको जो सिद्धि मिली किसके कारण, तो आप क्या बोलोगे, तपस्वी नहीं, लेकिन तपस्वी होने के बाद भी व्यक्ति दुष्ट हो सकता है, ये संभव है, तपस्वी होने के बाद भी वो राक्षस हो सकता है, ये संभव है। तो देखो, न तपसा, अब बलि ने भी तो दान किया था, देखो न दाने, न दानी तो कौन था, कर्ण भी था, न दाने, न इज्जया, और कितने लोगों ने स्वाहा स्वाहा किया है, शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान असी माम, मैं मुझे ये लोग नहीं देख पाए जिन लोगों ने ये साधन किया, इसके लिए तो अलग एक साधन की जरूरत है, वो साधन बता दिया है 54वां और 55वां श्लोक, किस हिसाब से मैं मुझे देखने का साधन क्या है, और यहीं से लिंक कर दिया भगवान ने 12वें अध्याय को, भक्ति योग को। ठीक है, देखते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।